हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप लगाने वाली शिकायतकर्ता महिला जूनियर कोच को पुलिस सुरक्षा दी गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि संदीप सिंह ने खेल विभाग का चार्ज वापस दे दिया है, लेकिन मंत्री तो वो अब भी हैं, जबकि संदीप सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। भले नैतिकता का हवाला देकर ही सही, लेकिन इस्तीफा तो देते। मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह मांग की है जूनियर महिला कोच ने। साथ ही शिकायतकर्ता ने भरोसा जताया कि हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस उन्हें न्याय जरूर दिलाएगी। शिकायतकर्ता महिला ने मामले में हरियाणा पुलिस की तरफ से जांच कमेटी गठित किए जाने के फैसले का विरोध भी किया है। हरियाणा के खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह पर जो काफी दिनों से मुद्दा जो है चर्चाओं में है, आज हमारे साथ वो पीड़िता हमारे साथ आज मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये जो मुद्दा है काफी गरमाया हुआ है और इन्होंने अपनी जो एक शिकायत है वो चंडीगढ़ पुलिस को दी है, उस पर कितनी कार्रवाई हुई है, क्या कुछ काम हुआ है, उससे कितनी ये सहमत है, इनसे हम बातचीत करते हैं। मैं वैसे तो सरकार के डिसीजन पे बिल्कुल क्वेश्चनिंग नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ तक मेरी सहमति की बात है तो ये खेल विभाग सीएम सर को सौंप देने से यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि वो जब तक अपना रेजिग्नेशन नहीं देंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे अपने पद से, तब तक मैम ये जांच के लिए भी और मेरी इन्वेस्टिगेशन और मेरी पर्सनल सिक्योरिटी से लेके मेरी हर उस चीज़ के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करेंगे, जिससे मैं निष्पक्ष जांच की उम्मीद लगाए बैठी हूँ, क्योंकि एक सिर्फ उम्मीद और भरोसे के अलावा मेरे पास अभी मेरी कोई ताकत नहीं है। तो उसके लिए ये अगर ये मंत्री पद पर बैठे रहे तो ये पूरी अपनी पावर का जो आज तक ये गलत इस्तेमाल करते आए हैं, तो वो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये अपनी मनमर्जी से ये पूरी जाँच को तोड़ मरोड़ सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग बनाए गए हैं, आपके मामले की सुनवाई भी महिला आयोग ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे कितना सहमत है? मैम उन्होंने मुझसे मतलब वो ऑलरेडी अक्यूज्ड के साथ देखिए खड़े होकर उन्होंने एक बायस डिसीजन दिया है, और उन्होंने अभी तक मेरी किसी भी प्रकार की मदद मांगने की बात पे उन्होंने ना वो हामी भरी है ना ही राजी हुए हैं। इवन वो आगे उन्होंने एक फॉर्मेलिटी तक नहीं की है कि पीड़िता के पास जाके आप एक 5 सेकंड के लिए आप एक बार इसका दर्द देख लीजिए। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कराई गई है, क्या कुछ धमकियां भी आपको मिली होंगी उसके बारे में बताएंगे? जी मैं अनिल भी सर से मिली हूँ, क्योंकि मुझे मिलने से पहले ही मेरे दिल दिमाग में चीज़ थी कि मुझे उन पर पूरा भरोसा है, और वो ठीक मेरी जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पे मेरे लिए मतलब वो खड़े रहे हैं, और उन्होंने बोला है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसको, इस बंदे को इसकी करतूतों की सज़ा जरूर मिलेगी, वो साथ जरूर देंगे। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है इन पर कार्रवाई होगी और मंत्री को जो है अपना पद छोड़ना होगा। लगातार बने रहिए जी मीडिया के साथ, कैमरा पर्सन सुरेश यादव के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया पंचकुला।